इतना गर्म हो जाएगा कि आप अगर आपके फोन में कवर नहीं लगा हुआ है तो आप फोन को इस तरह से हाथ में नहीं पकड़ पाओगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल मासी सेल वर्ल्ड। सो गाइस, मेरा नाम है शैलेंद्र और आज का जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे पास आ चुका है गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। जी हाँ, सैमसंग का अब तक का सबसे महंगा फोन S सीरीज का और साथ में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल फोन। सो गाइस, करेंगे इस फोन का रिव्यू, देखेंगे इसके फीचर्स, जानेंगे किस तरह की इसकी पावरफुल परफॉर्मेंस है। सो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को, साथ में हिट करो नोटिफिकेशन की बेल ताकि हमारे आने वाले इसी तरह सारे प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, बात करते हैं अनबॉक्सिंग की। तो वैसे तो अनबॉक्सिंग के लिए अब कुछ रह नहीं गया है क्योंकि बॉक्स के अंदर के जो सारे मटेरियल्स थे उन सबको एनवायरनमेंट के नाम पर निकाल दिया है और अब हमको अलग से बेचा जा रहा है एनवायरनमेंट बचाने के नाम पर। सो गाइस, सबसे पहले हमें मिल जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट जिनको हम कभी पढ़ते नहीं है। इसके बाद हमें मिलता है सिम ट्रे ओपनर और गाइस इसके बाद हमें मिल जाती है एक USB-C टाइप केबल। दैट्स इट गाइस, हो गई अनबॉक्सिंग। सो गाइस, हाथ में इसको पकड़ोगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि काफ़ी बड़ा ये फ़ोन है और ये अब तक का सबसे बड़ा फ़ोन है S सीरीज का, जिसकी अगर स्क्रीन साइज की मैं बात करूँ तो 6.8 इंचेस। सो इतना बड़ा ये फ़ोन है और इसका थोड़ा सा वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। आप जब भी इसको हाथ में लोगे, और अगर आपके हाथ छोटे हैं और आप थोड़ा सा बॉडी से कमज़ोर हो तो आपको थोड़ा सा हैवी फील भी होगा। इसका जो वेट है वो है 220 ग्राम्स गाइस। और गाइस, ये फ़ोन आता है 4 कलर में अवेलेबल है। ये वाला जो कलर है ये फैंटम ब्लैक है, बरगंडी आता है इसमें, वाइट आता है और ग्रीन आता है। और गाइस, ये जो S22 अल्ट्रा है तो सैमसंग ने अपनी जो नोट सीरीज है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है और जो S22 अल्ट्रा है इसमें S सीरीज प्लस नोट सीरीज, आप उसका कॉम्बिनेशन इसको बोल सकते हो क्योंकि इसका जो साइज़ है वो करीब करीब नोट जो सीरीज़ है उसके फ़ोन के बराबर ही है। प्लस इसमें एडिशनल हमें S पेन मिलने वाला है जो हमें नोट सीरीज में मिलता था, तो पहली बार इस तरह का S पेन हमें इस वाले फ़ोन में मिल रहा है। सो गाइस, बात करें अगर इसके बॉडी की डिज़ाइन की तो ये बना हुआ है एल्युमिनियम मेटल फ्रेम से, साथ में इसमें है गोरिल्ला ग्लास विक्टस जो कि अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लास है फोन्स में जो आता है। तो आगे पीछे दोनों तरफ आपको मिल जाएगा गोरिल्ला ग्लास विक्टस और जो स्क्रीन है वो कर्व्ड है दोनों साइड से। तो एक बार इसको पावर ऑन करते हैं फिर देखते हैं कि कितना स्क्रीन का कर्व हमें इसमें मिल रहा है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स एंड बटन्स की। तो सबसे पहले नीचे की साइड अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इंटीग्रेटेड S पेन, जैसे कि मैंने बताया इसमें पहली बार हमें S पेन मिलने वाला है, तो इस तरह का एक इंटीग्रेटेड S पेन मिलेगा। इसके बाद हमें मिलता है स्पीकर ग्रिल, उसके बाद है USB-C टाइप, उसके बाद हमको इसमें मिलता है सिम कार्ड ट्रे। ऊपर साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें एक माइक्रोफोन मिल जाता है। अगर बात करें लेफ्ट साइड की तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बात करें अगर राइट साइड की तो पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, इसके बाद वॉल्यूम अप डाउन बटन हमें यहाँ पे मिलता है। ये सारी की सारी कीज कस्टमाइज होती हैं और आप अपने फंक्शन के हिसाब से जो भी आपको पसंद है उसको यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। सो गाइस, फटाफट फोन को करते हैं ऑन और देखते हैं किस तरह का स्क्रीन एक्सपीरियंस हमें इसमें मिलता है। सो गाइस, वाओ, व्हाट अ पावरफुल डिस्प्ले। सो गाइस, अगर स्क्रीन की बात करें तो इसमें मिलता है 0.8 इंच LTOP डिस्प्ले, साथ में मिलता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस। सो गाइस, अगर बात करें स्क्रीन रिफ्रेश रेट की तो वो है 120 हर्ट्ज की मैक्स रिफ्रेश रेट हमें इसमें मिल जाती है। तो गाइस, साथ में मिलता है HDR10+ का सपोर्ट। तो गाइस, अगर बात करें इसके स्क्रीन की ब्राइटनेस की तो हमें इसमें मिलता है मैक्स 1715 निट्स की ब्राइटनेस का सपोर्ट, बट ये जो ब्राइटनेस है आपको तभी फील होगी जब आप इसमें HDR कंटेंट वगैरह देखोगे। सो गाइस, अगर सनलाइट में आप इस फोन को यूज करोगे तो आपको किसी भी तरह की स्क्रीन पर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर आप इसको अडेप्टिव ब्राइटनेस के साथ यूज कर रहे हो तो बढ़िया से काम करेगा ये सनलाइट में। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की और परफॉर्मेंस की। तो सैमसंग की S सीरीज का ये पहला फोन है जो लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 8 के साथ फर्स्ट जेन, साथ में इसमें मिलता है 4 NM का बेस। बात करें अगर इसकी रैम की तो इसके अंदर लगी हुई है 12 GB की रैम और अगर बात करें रोम की तो इसमें 3 वेरिएंट आते हैं 256, 512 और 1 TB। सो ये वाला जो फोन है ये आया हुआ है 256 GB रोम के साथ। सो गाइस, बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की तो मैंने इसमें कुछ हैवी गेम्स ट्राई किए हुए हैं और जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो एकदम बढ़िया है, तो किसी भी तरह का लैग आपको इसमें नहीं मिलेगा। सो ये वाला जो फोन है ये आता है एंड्रॉइड 12 के साथ, साथ में आपको इसमें मिलेगा 4 साल तक एंड्रॉइड अपडेट। सो अगले 4 साल तक जो नए नए एंड्रॉइड के वर्जन आएंगे वो सारे वर्जन के अपडेट्स आपको इस फोन में मिलेंगे। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी की। तो इसके अंदर लगी हुई है पावरफुल 5000 mAh की बैटरी, साथ में जो फोन है ये सपोर्ट करता है 45 वॉट सैमसंग के चार्जर को। तो सैमसंग ने अपना नया 45 वॉट चार्जर इसका लॉन्च किया हुआ है
और इस चार्जर से अगर आप इसको चार्ज करते हो तो करीब करीब सवा घंटे के अंदर पूरा का पूरा फोन चार्ज हो जाता है। और गाइस एक फुल चार्ज पर ये फोन आराम से एक दिन हैवी यूसेजेस पे चल जाता है। सो गाइस नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसके एस पेन की। तो पहली बार एस सीरीज में एस पेन आया है, जो कि मैंने बताया कि नोट सीरीज और एस सीरीज को मर्ज कर दिया गया है। सो कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल सा एस पेन हमें इसमें मिलने वाला है। और जो इसकी लेटेंसी है इस बार इन्होंने इतनी कम कर दी है, जो कि सिर्फ है 2.8 मिलीसेकंड। पहले ये करीब करीब 9 मिलीसेकंड हुआ करती थी, बट एआई का यूज़ करके सैमसंग इसको लेके आया है 2.8 मिलीसेकंड तक। और जब आप इसको इस पर लिखना स्टार्ट करते हो तो ये एक्चुअल पेन की तरह आपको फील होता है। सो गाइस एस पेन के ढेर सारे यूसेजेस हैं। आप नोट्स बना सकते हो, आप स्क्रीन कट करना, इधर से उधर करना। जो मुझे इसका सबसे ज़्यादा यूज पसंद आया वो है कि आप इससे कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो, आप इससे फोटो क्लिक कर सकते हो, आप इससे कैमरे को जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट, साथ में आप कैमरा फ्लिप भी कर सकते हो। और फोटोज़ वगैरह अगर आपको सर्व करना है इधर से उधर तो वो भी आप जेस्चर के थ्रू कर सकते हो। तो मुझे कैमरा जो कंट्रोल हो रहा है इस पेन से, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो गाइस अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो इसमें हमें ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें होता है 5G, डुअल 4G, VoLTE, वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, NFC। और गाइस इसी के साथ सैमसंग ने बोला है कि जो 5G के जितने भी ग्लोबल बैंड है वो सारे के सारे बैंड अवेलेबल रहेंगे इस फोन में। सो गाइस अब बात करते हैं इसके वीडियो और ऑडियो एक्सपीरियंस की। सो जो वीडियो एक्सपीरियंस है वो कमाल का होने वाला है, साथ में जो ऑडियो है वो भी कमाल का मिलेगा। इसमें लगे हुए हैं स्टूडियो स्पीकर्स। सो दोनों को मिला के जो हमारा मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस है वो जाने वाला है एक नेक्स्ट लेवल पर। तो कैसे बात कर लेते हैं इसके सेंसर्स की और सिक्योरिटी फीचर्स की। तो ढेर सारे सेंसर्स हमें इसमें मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करें अगर फिंगरप्रिंट की, तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें इसमें मिलता है। एंड ये जो स्कैनर है बहुत ज़्यादा फास्ट है इसके सारे के सारे पिछले वेरिएंट से। बात करें अगर इसके फेस अनलॉक की तो वो भी बहुत ही अच्छे से और बहुत स्मूथली और फास्ट काम करता है। तो गाइस इसके बाद ये फ़ोन आता है IP68 सर्टिफिकेट के साथ, जो इसको बनाता है डस्ट रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस। और जो इसका एस पेन है वो भी आता है IP68 सर्टिफिकेट के साथ। तो फोन और जो एस पेन है दोनों ही वाटर रेजिस्टेंस है और डस्ट रेजिस्टेंस है। सो गाइस अब बात करते हैं इस फोन के कैमराज की। अगर बैक साइड के कैमराज की बात करें तो सबसे पहले हमें इसमें मिलता है 12 MP का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, उसके बाद हमें 108 MP का एक वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, उसके बाद हमें एक मिलता है 10 MP का टेलीफोटो कैमरा जो कि आता है 3x जूम के साथ, उसके बाद हमें एक और मिलता है 10 MP का टेलीफोटो कैमरा जो कि आता है 10x जूम के साथ। सो गाइस अगर बात करें फ्रंट साइड के कैमरे की तो यहाँ पर हमें एक मिल जाता है 40 MP का सेल्फी कैमरा। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कैमरे के जूम की, तो इसमें हमें मिलता है 100x तक का जूम। हालांकि जो जूम फीचर है वो 30x के ऊपर बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, बट इसका जो 100x है उसमें अगर आप फोटो निकालते हो तो वो भी यूजेबल होती है टू सम एक्सटेंड। हालांकि जब आप 100x पर फोटो क्लिक वगैरह करते हो तो जो कैमरा होता है बहुत ज़्यादा सेकी होता है। सो बेस्ट रहेगा कि आप ट्राईपॉड का यूज़ करें और जो इसका एस पेन है उसको एज अ रिमोट यूज़ करें, तब आप 100x पर इसको क्लिक करें। बाकी गाइज मैंने 100x पर जो मून शॉट होते हैं उनको ट्राई किया है और जो मून शॉट है इसमें काफी बढ़िया आता है। आप जो सनसेट होता है उसको भी ट्राई कर सकते हो विद 100x जूम। बात करें तो गाइज इसमें हमें पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज क्लिक कर सकते हो, वीडियोस निकाल सकते हो। और जो इसका पोर्ट्रेट मोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जो इसमें बैकग्राउंड हमें ब्लर मिलता है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है, साथ में जो ब्लर इंटेंसिटी है बैकग्राउंड की उसको आप मैनेज कर सकते हो। आपको उसमें ऑप्शंस मिल जाता है 1:7, तो आप कम या ज़्यादा भी उसको कर सकते हो। बात करें इसके सेल्फी कैमरेज की, तो इसका जो सेल्फी कैमरा है बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये सेल्फीज वगैरह निकालता है। साथ में इसमें आपको मिल जाता है ऑप्शन की जो टोन है सेल्फी की वो किस तरह की रखना है। सो गाइस अगर बात करें कि किस क्वालिटी का वीडियो आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, तो बैक कैमरे से आप 1080p तक का वीडियो इससे रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर आपको शूट करना है फ्रंट कैमरे से तो आप अल्ट्रा HD विद 60 फ्रेम्स पर सेकंड के रेट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट वाले कैमरे से। इसके बाद गाइस बात करते हैं कैमरे के मोड्स की, तो इसमें एक हमें डायरेक्टर मोड मिल जाता है। अब डायरेक्टर मोड का जो सबसे बढ़िया यूज है वो है ब्लॉगिंग के लिए। इसमें आपके जो दोनों ही कैमरे हैं आगे और पीछे के वो एक साथ वर्क करते हैं, साथ में आप वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम उनको इजीली स्विच भी कर सकते हो। सो गाइस अगर लो लाइट फोटोग्राफी की मैं बात करूं तो जिसका नाइट मोड है वो काफी अच्छे से काम करता है। इसमें हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं चूज करने के लिए, एक 2 सेकंड मोड होता है और एक होता है मैक्स मोड। मैक्स मोड में ये खुद ही एडजस्ट करता है लाइट के हिसाब से कि कितने सेकंड तक इसको जो शटर है इसका उसको ओपन करके रखना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट ऑब्जर्व कर पाए। सो
अगर बात करें इसकी प्राइस की जो कि है सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, सो ये जो वेरिएंट है 256 GB का वेरिएंट है और इसकी जो प्राइस है वो है 111,000 रुपए। सो गाइस जो इसकी अमेजोन की लिंक है परचेज की वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हो और जहां पर भी आपको बेस्ट ऑफर मिल रहा हो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। सो गाइस हमने सारे फीचर्स देख लिए, सारी खूबियां जान ली और देख ली किस तरह की परफॉर्मेंस हमें इस फोन के साथ मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो मुझे इस फोन में पसंद नहीं आई। सबसे पहले तो गाइस इसका जो डिज़ाइन है कैमरा को लेके वो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया, और आप देख सकते हो जो कैमरा है वो फोन के बाहर निकले हुए हैं। सो इस तरह का कैमरा डिज़ाइन मुझे कभी भी फोन में पसंद नहीं आता है, क्योंकि इसको आप बिना कवर के यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप अगर इसको बिना कवर के टेबल पर या किसी भी सर्फेस पर आप रखोगे तो धीरे धीरे टाइम के साथ इसके जो लेंसेस हैं उस पर स्क्रैच आ जाएंगे और गाइस ओवर द टाइम आपका जो कैमरा है उसकी थोड़ी जो पिक्चर क्वालिटी है वो खराब हो सकती है। इसके बाद गाइस अगर बात करें दूसरा पॉइंट जो मुझे पसंद नहीं आया, इसके साथ स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं दिया गया है। जो सैमसंग 21 आया था जो इसका प्रीवियस मॉडल था इस सीरीज का, उसके साथ हमें स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया गया था, बट इसमें हमें स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं दिया गया है और वो स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो गाइस स्क्रीन प्रोटेक्टर हालांकि इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस है बट आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर इसमें लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ओवर द टाइम छोटे मोटे स्क्रैच इसमें पड़ जाएंगे। सो गाइस और दूसरा जो इशू है कि इसकी जो स्क्रीन है कर्व्ड है, तो कर्व्ड के साथ स्क्रीन प्रोटेक्टर फिट होना काफी दिक्कत करता है, क्योंकि स्क्रीन प्रोटेक्टर प्लस जो कवर इसके साथ आप यूज करते हो तो जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो खिंच जाता है, तो उस साइज का स्क्रीन प्रोटेक्टर मार्केट में ढूंढना थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि अगर सैमसंग इसमें फिट करके दे देता तो ज्यादा बेहतर रहता। बाकी गाइस जो तीसरा पॉइंट है वो काफी नॉर्मल सा है, वैसे तो मुझे उससे कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकती है, लाइक एक्सपेंडेबल इसमें मेमोरी नहीं है, बाकी जो इसका चार्जर है इसके साथ नहीं आता आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, हेडफोन वगैरह इसके साथ नहीं आता है वो भी आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। बट आजकल ये वाला जो पॉइंट है काफी कॉमन हो गया है, धीरे धीरे सारी कंपनियां ये सारी चीजें निकाल कर इसको सेपरेट बेच रही हैं और हमसे कह रही हैं कि हम एनवायरमेंट को बचा रहे हैं। गाइस अब जो मेरा चौथा पॉइंट है वो सबसे बड़ा इशू है इस फोन का, और जो मैंने फेस किया था इसकी पिछली सीरीज में भी, और उसको मैंने एक डिटेल वीडियो भी उस पर बनाया था, जो कि है ओवरहीटिंग इशू। सो S21 का मैंने वीडियो बनाया हुआ था ओवरहीटिंग का, जो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, और अगर आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आप चाहते हो इसकी मैं कंप्लीट टेस्टिंग करूं ओवरहीटिंग की, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। तो ओवरहीटिंग में क्या होता है, इसका जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम मेटल का बना हुआ है, और जब आप इसको फोन को यूज करते हो थोड़े टाइम, स्पेशली अभी आप देख रहे हो कि टेम्परेचर ज्यादा है, सो ऐसे में जब भी टेम्परेचर आपका 35 डिग्री के ऊपर रहेगा, जो कि नॉर्थ इंडिया की अगर बात करूं तो 6 से 7 महीने टेम्परेचर इसी रेंज में रहता है। सो जैसे ही आप फोन को थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए यूज करोगे, स्पेशली जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो या इसका कैमरा यूज करते हो और लाइक 4K या 8K पर रिकॉर्ड करोगे, तो फोन काफी गर्म हो जाता है, काफी हीट हो जाता है, और इसकी जो मेटल बॉडी है तो इतना गर्म हो जाएगा कि आप अगर आपके फोन में कवर नहीं लगा हुआ है तो आप फोन को इस तरह से हाथ में नहीं पकड़ पाओगे। हालांकि गाइस ये जो ओवरहीटिंग वाला इशू है ये सारे के सारे एंड्रॉइड फोन्स में होता है, बट जब आप 110,000 रुपए का फोन खरीदते हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उसमें ओवरहीटिंग नहीं होना चाहिए। सो गाइस ये जो 4 पॉइंट्स थे मुझे इस फोन में पसंद नहीं आए, अब आप इन पॉइंट से कितना रिलेट करते हो आप मुझे कमेंट करके बताओ। सो गाइस ये जो फोन है सपोर्ट करता है 45 वॉट सैमसंग का चार्जर, और ये फास्ट चार्जिंग इसमें हमें देता है। सो अगर आप ये चार्जर खरीदना चाहते हो तो आप इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हो, मैंने भी इसको अमेजोन से परचेज किया हुआ है और 3,000 रुपए का ये मुझे पड़ा है, इसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस ये था हमारा रिव्यू इस न्यू सैमसंग S22 अल्ट्रा का, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर आपके किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन है इस फोन को लेके या कुछ भी इसकी डिटेलिंग को लेके तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करो, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो दोस्तों, बराबर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, साथ में हिट करो नोटिफिकेशन की बेल, ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के सारे प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। सो गाइस सब लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी और यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।